स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह के इस बड़ी खबर में। और यहां पर बताना चाहेंगे कि निदेशालय बाल विकास से भी लेटर जारी हो चुका है। दरअसल जिस छुट्टी की, जिस अवकाश की हम बात कर रहे थे कल कि कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद है, और अब तो यहां पर यह खबर आ रहा है कि 7 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तो ऐसे में आपको हम बताना चाहेंगे कि यूपी से आप सब इंतजार कर रहे थे कि यहां पर निदेशालय से लेटर जारी हो, तो ऐसा कल शाम को हो चुका है। निदेशालय से लेटर भी आ चुका है और अभी हम आपको लेटर भी दिखाएंगे और 7 राज्यों में कहां कहां अवकाश घोषित है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, आप सब भाई बहन इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है समस्या, अपनी राय वगैरह भी दे सकते हैं। और यदि जुड़े नहीं है चैनल से तो सब्सक्राइब करके बेल दबा करके चैनल से जुड़ जाए, हिस्सा बने। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को मिल गया अवकाश, फिर भी करना होगा ये काम। निदेशालय से जारी इस लेटर को आप सब देखें, तो अभी हम लेटर की तरफ चलते हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये कुछ हमारे पास काफी राज्यों से जानकारी है कहां कहां क्या क्या जो है छुट्टियों को लेकर के बातें कही जा रहे हैं। उससे भी बढ़कर के अभी हम आपको एक इस लेटर पर पहले ले आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में क्या काम करना पड़ेगा आंगनबाड़ी बहनों को, क्योंकि अवकाश मिल गया है लेकिन फिर भी वो अवकाश किसी काम का नहीं है, उल्टे हम लोगों का काम बढ़ गया है। कहने के लिए तो यह अवकाश है लेकिन यहां पर एक बड़ी मुसीबत में हम लोगों को फिर जो है इंटर किया जा रहा है, काम में लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस के जो इस पे फैलाव चल रहा है, इसमें जो है लोगों तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगाई जाएंगी आंगनबाड़ी वर्कर। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह लेटर है उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। कल शाम को हमारे पास ये लेटर आ चुका था और यहां पर देख सकते हो लिखा है नोवल कोरोना वायरस के फैलाव के कारण प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 14/3/2020 से 22/3/2020 तक बंद किए जाने के संबंध में। और तो और यहां पर एक दो राज्य ऐसे भी हैं, जैसे उत्तराखंड की बात कर लूं तो वहां पर 22 से ज्यादा तक जो छुट्टियां हैं, शायद 29-30 यानी कि पूरा मार्च महीने तक छुट्टियां घोषित। अभी सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले, तो पूरा वीडियो आप सब भाई बहन जरूर देखना। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो करना है उसके संबंध में देख लीजिए, लिखा है कि विषय शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से जो है निरोधात्मक कार्रवाई एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 14/3/2020 से 22/3/2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब नीचे क्या लिखा है कि वर्तमान समय में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में फैला हुआ है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। संक्रमण से बचाव हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रकाशित पोस्टरों को आपको प्रेषित किया गया है और इन पोस्टरों को बड़े रूप में कराकर जागरूकता की दृष्टि से जनपद के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें तथा पोस्टर की फोटो खींचकर निदेशालय की वेबसाइट पर जो है अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह भी करना होगा कि आपने जो प्रारूप भेजे गए हैं उसकी फोटो खींच करके और अपने वहां पर जो है अपने केंद्र पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर आपने लगाई है, चस्पा की है, और चस्पा करने के बाद में उस फोटो को खींचकर आप निदेशालय की साइट पर भी बता रहे कि भेजिए ताकि पता चले कौन क्या कर रहा है। आगे आपको बताना चाहेंगे, लिखा हुआ कि पोस्टर की फोटो खींचकर निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें और आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण पखवाड़ा व गृह भ्रमण के दौरान पोस्टरों के को जो है हाथ में लेकर जनमानस से जो है संक्रमण से बचाव के संबंध में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाएं। यानी कि पोषण पखवाड़ा आपका जो मनाया जा रहा था वो मनाया जाएगा और आगे देख सकते हो गृह भ्रमण जो आप करती थी वो भी आपको करना पड़ेगा। और फिर छुट्टियां किस काम की, ये तो आप सभी के मन में सवाल उठता है, हमारे मन में भी उठता है। और ऊपर से ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर घर आंगनबाड़ी जाएं, लोगों को बताएं समझाएं, तो ये भी जानकारी एक काम एक बढ़ ही गया है, समझ लीजिए कहने के लिए अवकाश है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे अपने जो है छोटे भाई होने के नाते कि यहां पर हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि घर घर जाना, दूर से ही सब कुछ करना, हाथ पैर अपना साफ सफाई का ख्याल रखना और उससे भी बढ़कर के कि जो है मिलना जुलना और खाना पीना इन सब चीजों को दूर रखना, साफ तौर पर मैं कह रहा हूं, और कुछ सावधानियां अपने आप में बरतना। जागरूकता आपको यदि फैलानी है तो उसमें सावधान सबसे पहले आपको रहना चाहिए। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि पोषण पखवाड़ा और गृह भ्रमण ये दोनों कार्यक्रम आपको करने हैं, साथ में आपको इसके बारे में साफ सफाई और संक्रमण से बचने के लिए भी जागरूक वगैरह करना है तथा लिखा हुआ वीडियो फिल्म को मोबाइल में अपलोड करके लाभार्थियों के मध्य प्रदर्शित करते हुए प्रसार प्रसार भी करें और जिससे कि असुरक्षा की भावना को समाप्त किया जा सके। तो यहां पर लिखा है कि जो वीडियो टाइप के बने हुए हैं इसी चीज पर उसके बारे में भी जानकारी लोगों तक फैलाई जाएगी। और तो और लिखा हुआ है नोवल कोरोना वायरस के फैलाव के कारण प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के दिनांक 14/3/2020 से 22/3/2020 तक बंद रखने की अवधि में लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाला पोषाहार उनके अभिभावकों
पालकों को निर्धारित दिवसों में नियत मानकों के अनुरूप किया जाएगा। अब जो पोषाहार का वितरण है उत्तर प्रदेश में, यहां पर बताया जा रहा है कि उसे जो है नियमित रूप से जो बच्चे हैं उनके अभिभावक माँ बाप को आप दे सकते हैं, और वो भी जैसे आपका हमेशा बढ़ता था वैसे ही जो दिया जाएगा उन्हीं तारीखों पर। तो आप लोगों को कहना चाहेंगे, अब रही बात खाने का, तो खाने का निदेशालय से इस लेटर में कोई जिक्र नहीं है कि हार्ड कुक का बच्चा है, यानी कि जो खाना बन रहा है हार्ड कुक वाले जो खा रहे हैं बच्चे उनको खाना बनाया जाएगा, बच्चे खाना खा के जाएंगे। जैसा कि बिहार सरकार की तरफ से हमारे पास निदेशालय से लेटर जारी होकर के आया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि गर्म पका हुआ जो भोजन है वो बच्चों को खिला दिया जाएगा, THR बांट दिया जाएगा, उसके बाद बच्चों को भेज दिया जाएगा। तो वहां पर वो सुविधा थी, और उत्तर प्रदेश में हार्ड कुक को लेकर के कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पोषाहार की बात कही जा रही है, तो पोषाहार जो वितरण किया जाता है लाभार्थियों को वो दे दिया जाएगा उनके अभिभावकों को। तो ये जानकारी कुछ ऐसी है। और जो बहनें पूछ रही थी कि छुट्टी हमारी है तो हम लोग अब घर में बैठेंगे या गृह भ्रमण नहीं करना होगा, या फिर जो है और हमारी बहनों की समस्याएं थी जैसे कि आप लोगों ने देखा पोषण पखवाड़ा चल रहा है इसमें, तो ये सभी कार्यक्रम आपको करने हैं साथ में। और ये कार्यक्रम एक बढ़ गया कोरोना वायरस का, अब इसको भी घर घर जाएं जागरूकता फैलाएं, और ये एक आसान काम नहीं है। इसमें हमारी तरफ से सलाह यह, क्योंकि हम ना आप कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार जो करना चाहेंगी वही करेंगी, भले काम स्वास्थ्य विभागों का है, और ये महामारी जैसा आप लोग जो देख रहे हैं ये जल्दी जाए वही अच्छा होगा। तो इसमें जो अभी आप लोग घर घर जाएं, सावधानियां अपने ऊपर ज्यादा बरतें, लोगों को भी तब जागरूक करें, तो जब आप सावधान रहेंगे तभी आप लोगों को सावधान कर पाएंगे। आगे आप देख सकते हो ये हमारे पास आया था अमर उजाला ब्यूरो वालों की तरफ से निकाली गई तस्वीर, ये आप देख सकते हो न्यूज, देहरादून उत्तराखंड में बताया जा रहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र 31 तक बंद है, सरकार के कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। तो 31 मार्च तक जो उत्तराखंड है वहां पर जो स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हो, और ये कोरोना वायरस के कारण सब कुछ देश में दिखाई दे रहा है। आगे आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे आलोक कुमार भाई हैं, उनके द्वारा लिखे गए ब्लॉग में उन्होंने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस यूपी एमपी समेत 7 राज्यों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। तो यहां पर यूपी एमपी और भी 7 राज्य हैं वहां पर छुट्टी हो गई, तो जल्दी जल्दी में आपको हम दिखाना चाहेंगे। बताया जा रहा यूपी की तो बात आपने देख ली, बिहार में भी आपने देख लिया, उत्तराखंड में अभी हमने बता दिया उत्तराखंड में 30 तारीख तक जो है अवकाश रहेगा, लेकिन काम की बात की जाए तो हर जगह काम ऐसे ही बना हुआ है, आंगनबाड़ी से काम कराया जा रहा है। कोरोना आप देख सकते हैं यूपी में 11 केस हो चुके हैं, 10 थे आज सुबह तक 11 हो चुके हैं, पंजाब में 1 केस है, हरियाणा में 14 है, राजस्थान में 3 है, महाराष्ट्र में 14 है, और भी राज्य है वहां पर भी केस हैं। यहां पर जो भाई ने लिखा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र अनिश्चित काल के लिए बंद। तो जैसा कि आप देख सकते हो अटारी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान नागरिकों और मालवाहकों को भी नो एंट्री वगैरह कर दी गई है। तो ऐसे में बिहार में जो भी था लेटर था वो भी हमने आपको दिखा दिया, बिहार में भी जो है अभी डेट नहीं कल आई थी, कल वो लोग डेट जो है अपनी डिसाइड किए होंगे, उसके बाद हमारे पास जैसे जानकारी आएगी आप लोगों को हम साझा कर देंगे। राजस्थान में भी यही हाल चल रहा है, राजस्थान में नगर निगम चुनाव की अधिसूचना वगैरह को मद्देनजर रखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि दो दो नगर निगमों में वार्ड पार्षदों के लिए 5 अप्रैल को एक साथ वोटिंग कराई जाएगी। अब ये तो बताया जा रहा कि पिछले साल अक्टूबर में व नवंबर में बताया जा रहा है सृजित हुई थी, लेकिन अब अप्रैल में होगा। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद, हॉस्पिटल और हॉस्टल वगैरह खाली कराए, परीक्षाएं जारी रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ में भी यही निकल के आ रहा, रायपुर से ये खबर है कि देश में कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। तो 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में, 30 मार्च तक उत्तराखंड में आपने देखा, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 22 मार्च तक। लेकिन काम की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी को भी इस काम में लगा दिया गया है। रही बात छत्तीसगढ़ की या अन्य जगह के, तो निदेशालय के लेटर हमारे पास ना होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता, वहां पर भी आंगनबाड़ी वर्कर काम में लगी है, ना लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो अटारी बाघा बॉर्डर को लेकर के बताया जा रहा है कि जरिए आ सकेंगे पाकिस्तानी अमृतसर वगैरह से, ये खबर है। तो यहां पर भी कुछ जानकारी लिखी हुई है, और आगे देख सकते हो विदेश से लौटे 4 अफसरों को लेकर के घर में रहने का आदेश है। तो स्कूल कॉलेज बंद वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह से भी आप देख सकते हो खबर है कि यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला ले लिया गया है। ये आपका चंडीगढ़ वगैरह से, जालंधर से खबर है। तो ऐसा आप लोगों को बताना चाहेंगे, काफी जगह से खबरें आ रही हैं अवकाश के संबंध में। आगे आपको बताना चाहेंगे कि लिखा है हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत में भी बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी हो गया। तो हरियाणा में भी 31 तक बंद, यानी कि पूरा मार्च महीना बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में अभी 22 तक है, लेकिन ये तारीख आगे बढ़ भी सकती है, जैसे जैसे कुछ होगा वैसे आपकी तारीख बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं जल्द से जल्द ये समस्या देश से जाए, और क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें भी इस काम में जबरन लगाई जा रही हैं जो कि सही नहीं है, और उससे भी बढ़कर के भले ही आंगनबाड़ी वर्कर ही हैं या अन्य कोई बहन है, ये समस्या ही ऐसी है, महामारी की तरह फैल रही है, और इसमें जो है ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और इन चीजों को
पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है, बाकी बहुत से छोटे बच्चे हैं या और भी लोग होंगे उनको छुट्टी से मतलब होती है, लेकिन यहाँ पर छुट्टी एक छोटी चीज़ है, लेकिन ये कोरोना वायरस बड़ी चीज़ है, ये जल्दी जाए देश से तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे आपको बताना चाहेंगे, देख सकते हो मुंबई, मुंबई में भी बताया जा रहा यही हाल है, और 15-20 दिन के लिए बता रहे हैं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम टालने की अपील भी कर दी गई है मुंबई में, और 31 मार्च तक के लिए वहां पर भी जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आगे दिल्ली में भी जो आपने देख लिया, सबसे पहले दिल्ली में ही छुट्टी कर दी गई थी, और 31 मार्च तक जो है दिल्ली में भी जारी हो चुका है सब कुछ कि वहां पर भी स्कूल कॉलेज जो है और मल्टीप्लेक्स वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। और आगे आपको बताना चाहेंगे, नहीं मनेगा बिहार दिवस, सभी स्कूल कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक के लिए बंद, तो बिहार में भी 31 मार्च तक के लिए बंद, हर जगह 31 मार्च और 30 मार्च की खबर आपने देखी, उत्तर प्रदेश को सिर्फ छोड़कर 22 मार्च, लेकिन यहां पर तारीख बढ़ जाएगी। हमें तारीख से लेना देना नहीं है कि यहां कम दिनों की छुट्टी है वहां ज्यादा है, क्योंकि इससे लेना देना नहीं है, वो तो आगे बढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी वर्करों से काम जरूर लिया जा रहा है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, इसमें आंगनबाड़ी बहनों आप सब जो है सावधानियां जरूर बरते। यहां पे लिखा है नहीं मनेगा मनरेगा जो है मनेगा बिहार वगैरह में, तो बिहार से ये मैं बता चुका हूं। आगे आप देख सकते हो एमपी वगैरह को लेकर के भी खबर आ रही है कि एमपी में 12वीं तक के स्कूल कॉलेज और सिनेमाघर बंद, और जैसा कि आप देख सकते हो हॉकी टूर्नामेंट वो भी टाल दिया गया है, और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। प्रमुख सचिव शिक्षा जो विभाग रश्मि है अरुण समी वगैरह लिखा हुआ, उन्होंने आदेश भी एक जारी कर दिया, बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी, और 15 मार्च से भोपाल के एस बाग वगैरह सब कुछ लिखा, तो वहां पर भी जो छुट्टियों के बारे में ऐलान है यूपी में 22 तक के लिए बंद है। अब इन सब चीजों को आपने देख लिया, लखनऊ से भी एक खबर निकली थी जैसा कि आप देख सकते हो, और प्रतिबंध वगैरह भी काफी चीजों पर लगा दिया गया, जो मालवाहक है उन पर भी और पाकिस्तानी जो नागरिक है उन पर भी, अटारी बाघा बॉर्डर से जो आते हैं वहां पर भी, तो ऐसा आप लोगों को बताना चाहेंगे। ये रही कुछ अवकाश के संबंध में सूचना, जो हमारा उद्देश्य यही था कि आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी जाए कि आंगनबाड़ी को मिल गया है अवकाश, फिर भी करना हो रहा है ये काम। निदेशालय से जारी इस लेटर को जरूर देखें, तो उत्तर प्रदेश से जारी उस लेटर को भी दिखाया, और आप लेकिन है ये सब कुछ गलत कि आंगनबाड़ी को भी लगाया जा रहा, स्वास्थ्य विभागों के काम है, स्वास्थ्य विभाग में यदि भर्ती नहीं आएगी, सरकार लोगों को रोजगार नहीं देगी, तो फिर संख्या तो कम जाहिर सी बातें हो जाएगी, तो यहां पर फिर अन्य विभागों के लोगों को भी सरकार लगा लेती है। अब यहां पर ये एक आपातकाल जैसा है अपने देश में, तो इसमें हम बस यही कहना चाहेंगे कि हर कोई नागरिक सेवा करना चाहता है, और हर कोई जो इस काम को यही चाहेगा कि जल्द से जल्द ये बीमारी जाए देश से, तो उसके उद्देश्य से कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमें जो ड्यूटी में लगाया जा रहा है हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो यहां पर जब भी कुछ ऐसा होता है तो हर कोई लगाया जा सकता है, वो बात एक अलग है, लेकिन यहां पर बहनों हमारी तरफ से सलाह यही कि आप लोग सावधानी जरूर बरत लेना, और ये छुट्टी जैसी आप लोगों ने देखी 7-8 राज्यों की बात मैंने की थी, और उन जगह छुट्टियों का आदेश वगैरह भी हमने आपको दिखाया। रही बात लेटरों की, तो हर जगह से लेटर नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेटर दिखा चुके, बिहार से भी हम दिखा चुके, उत्तराखंड की भी जानकारी दे चुके, तो जानकारी काफी है इतनी, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वहीं पर जाते जाते दोस्तों एक और सूचना आपको दे दूं, ये हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं और ये कुछ जानकारी आई थी, तो इसमें भी क्या लिखा है, लिखा है स्वास्थ्य विभाग महिला कल्याण विभाग के सहयोग से, ये मतलब कल की खबरें हैं, जब कल बैठक यूपी में की गई थी तो वहां पर कुछ जो फैसले लिए गए थे, तो वहां पर ये भी फैसला था कि स्वास्थ्य विभाग महिला कल्याण विभाग के सहयोग से आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में सेंसिटाइज वगैरह करेगा, और इस प्रकार प्रशिक्षित या जो कर्मिक हैं लोगों को जागरूक करेंगी। तो यहां पर आपने देख लिया, और लेटर भी आपने देख लिया था, परसों भी लेटर एक जारी हुआ था इसी संबंध में, और कल भी लेटर जारी हो गया, और ये दोनों लेटरों में यही लिखा है कि आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को जो प्रशिक्षित वगैरह आपके सुपरवाइजर के जरिए थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, उसके बाद आप घर घर जाएंगी जागरूकता फैलाएंगी। गृह भ्रमण का काम तो आपका रहता ही है, वो भी आपको करना है, साथ ही साथ जो अन्य काम होते हैं पोषण पखवाड़े के वो भी करना है, और उसमें पोस्टर लेकर के साफ सफाई का ध्यान रखना है, और इसी संक्रमण से बचने के लिए टिप्स बतानी है, और अपने केंद्रों पर एक जो है पोस्टर लगाना है, चस्पा करना है, उसकी फोटो लेकर के आपको जो है निदेशालय की साइट पर वगैरह भी भेजना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।